नमस्कार मित्रों, विज्ञान के प्रयोग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, जिससे हमारा साथ और लंबा रहेगा। विज्ञान के प्रयोगों का जो भंडार है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। धीरे धीरे जो नए वीडियोस अपलोड होंगे, बेल बटन दबाएंगे तो वो आपको पता चलते रहेंगे। एक हम लोगों ने इस स्केल पे सवाल छोड़ दिया था कि अगर हम इस स्केल को ऐसे रखें तो जो फिंगर हमारी ये है ना, जो सेंटर ऑफ मास के पास है वो नहीं चलती, जबकि दूसरी जो सेंटर मास से दूर है वो चल देती है, मतलब सरक जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? और ये करना बहुत मुश्किल है। आप सेंटर ऑफ मास जो केंद्र के पास है उसके पास से अंगुली को नहीं सरका सकते हैं। आप करिए, क्लासरूम में बड़ा मजा आएगा। अगर आपके पास कुछ पतले दुबले छात्र हैं और कुछ थोड़े से भारी भरकम छात्र हैं, उनके साथ में इस तरह का प्रयोग करेंगे तो और थोड़ा मजा आ जाता है, क्लासरूम और अट्रैक्टिव हो जाएगा। लेकिन विज्ञान जो है वो ये है कि अगर हम इस वाली उंगली की बात करें जो सेंटर ऑफ मास के पास है, वो क्या कर रही है, स्केल वहां पर ज्यादा रखी हुई है, मतलब स्केल जो है इसको तेजी से दबा रही, ज्यादा से दबा रही है और इस पे कम फोर्स लगा रही है। तो देखें कि अगर जो नॉर्मल फोर्स है हमारी इस उंगली पे स्केल के द्वारा और जो इस पे है उसका नॉर्मल फोर्स में अंतर है। सेंटर ऑफ मास के पास जो नॉर्मल फोर्स है वो अधिक है और इसके पास नॉर्मल फोर्स कम है, जिसके कारण यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, स्थैतिक घर्षण बल वो अधिक हो जाता है और यहां पे स्थैतिक घर्षण बल कम होता है। और जैसे ही हम प्रयास करते हैं चलाने का तो ये वाली उंगली नहीं सरकती है और ये जो हमारी दूर रखी है सेंटर ऑफ मास के पास वो सरक जाती है। कई लोगों ने इसका आंसर दिया, कई लोगों ने यूट्यूब के ऊपर ही मैसेज किया है, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है और एक हमारे मित्र हैं प्रमोद परासल जी, जिन्होंने इसको मैथमेटिकली प्रूफ किया है कि N2 इज ग्रेटर देन N1। उसका हमने एक स्नैप लेकर के, एक पिक लेकर के इसी पे अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद तुरंत आपको पिक दिखेगी, आप पॉज करके और उस पिक को ध्यान से देख सकते हैं कि कैसे कैसे वो नॉर्मल फोर्स एक जगह पे जाता है और एक जगह पे कम है, जिसकी वजह से फ्रिक्शंस में अंतर आ जाता है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस YouTube चैनल को देखने के लिए और अपना प्यार दिखाने के लिए और अपना जो व्यूज है जो आप दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार इस चैनल पे बने रहिए। आपके वादा करता हूं, आपसे वादा करता हूं कि हम आपको अच्छे अच्छे प्रयोग, अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, फिर मिलते हैं।